सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिट स्ट्रोक यानी कि शन स्ट्रोक या फिर हम हिंदी में इसे लू लगना कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि अगर किसी को लू लगती है तो उसका प्राथमिक उपचार क्या किया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में उसकी कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर हम क्या उसको रेफ़र कर सकते हैं हॉस्पिटल में या फिर घर पर भी उसे प्राथमिक सारवार देकर उसे ठीक कर सकते हैं, या स्ट्रोक क्या है, इसके कारण क्या है, कौन सी कंडीशनें पैदा होती है, यानी कि उसके लक्षण क्या है या फिर किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है हिट स्ट्रोक के बाद, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले हिट स्ट्रोक के बारे में। तो दोस्तों, गर्मी में सबसे बड़ी समस्या है लू लगना। अंग्रेजी भाषा मैंने बताया उस प्रकार से इस स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज़्यादा देर तक रहने से या फिर गर्म हवा के झोंकों से संपर्क में आने से लू लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे देश की, तो हर वर्ष पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या में कमी और बढ़ते प्रदूषण के चलते तापमान में बढ़ावा होता है, यानी कि तापमान हर साल बढ़ता ही रहता है। भारत में ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पारा हाफ सेंचुरी के नज़दीक पहुँच चुका है। ऐसा भीषण गर्मी और पानी की किल्लत के चलते लू लगने की खतरा बढ़ जाता है। भारत में हर वर्ष लू लगने या फिर हीट स्ट्रोक के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। लू लगने पर तुरंत उपचार करना बेहद आवश्यक है, वरना शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाने से किडनी, लीवर, हृदय और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत जैसे देश में कहाँ अधिकतम समय तापमान ज़्यादा ही रहता है, सभी लोगों को लू लगने से जुड़ी जानकारी का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि लू लगने यानी कि कब लू लगती है। गर्मी में शरीर के द्रव्य यानी कि बॉडी फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, ये सूखने लगते हैं। शरीर से पानी और नमक की कमी होने पर लू लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होती है। इसमें गर्मी के कारण होने वाली और कई मामूली बीमारियाँ भी शामिल होती है, जैसे कि हीट एडेमा, हीट रैशेस, हीट क्रैम्प्स और हीट साइनोकॉक्स यानी कि बेहोशी भी हो सकती है। चिकित्सक शरीर के तापमान को 105 डिग्री फारेनहाइट से अधिक रहने पर और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जटिलताएं पेश आने पर लू लगना कहते हैं। गर्मी में अधिक शारीरिक गतिविधि करने पर, मोटे कपड़े पहनने पर, ज़्यादा शराब पीने पर और कम पानी पर लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों बात करते हैं अब लू लगने यानी हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण हार्ट अटैक के समान भी हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलना, उल्टी होना, कमजोरी, सिरदर्द, हाथ पैर में दर्द और जकड़न, चक्कर आना, शरीर का तापमान बढ़ना यानी कि 105 फारेनहाइट से भी अधिक हो सकता है, त्वचा लाल होना, नाड़ी तेज चलना, सांस लेने में तकलीफ, संभ्रम की स्थिति, फिट आना और बेहोशी इत्यादि ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लू लगने का खतरा किसको ज़्यादा होता है, यानी कि रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं। तो लू लगने का खतरा अत्यधिक गर्मी और शरीर में पानी की कमी होने के कारण अधिक होते हैं। लू लगने का अधिक खतरा देखें तो छोटे बच्चे, जैसे कि शरीर का तापमान नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह विकसित न होने के कारण छोटे बच्चों को लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद में वृद्ध की अगर बात करें तो इनके शरीर में पानी की कमी होने के कारण इनको खतरा भी हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों खिलाड़ी को भी रहता है, कारण कि इनमें अधिक पसीना आने से पानी की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद में दोस्तों धूप में काम करने वाले मजदूर को भी इसका खतरा होता है। उसके बाद में दोस्तों कार में बैठे बच्चे, यानी कि अगर हम भूल से बच्चे को कार में छोड़कर कहीं धूप में कार खड़ी है और हम भूल जाते हैं कि बच्चे अंदर बैठे हैं, और अगर गाड़ी को लॉक कर दिया जाए तो भी ये खतरा हो सकता है बच्चों को, यानी कि क्योंकि गाड़ी का तापमान जो कार होता है उसका तुरंत 10 या 15 मिनट में उसका तापमान काफ़ी हद तक बढ़ता रहता है। तो ये सब बात करते हैं कि इसका इलाज यानी कि फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार अगर ऐसे किसी को लू लगती है तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों लू लगने या फिर सन स्ट्रोक लगने पर हमारा पहला उद्देश्य रोगी के शरीर का तापमान को कम करना होता है, यानी कि हो सके ऐसी परिस्थिति खड़ी करेगा ताकि उसका तापमान कम हो सके, जैसे कि उसको ठंडी या छाव वाली जगह पर ले जाए और पंखा या फिर तो एसी शुरू कर सकते हैं या फिर उसको हवा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में एम्बुलेंस या डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद में रोगी के सिर पर गीला कपड़ा या टॉवल रखें, उसके कपड़े खोलें और उस पर ठंडे पानी का छिड़काव करें। उसके शरीर के पास बगल में, जांग में आप बर्फ भी रख सकते हैं। अगर वह होश में है तो उसे ठंडा पानी पीने देना चाहिए।
थर्मोमीटर से उसका तापमान मापते रहे जब तक शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम नहीं होता। ठंडक देना शुरू रखना, यानी कि चालू रखो जब तक उसका तापमान 101 से कम ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि सनस्ट्रोक से बचने के लिए कौन सी टिप्स है या फिर कौन से हम उपचार प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि हमें हीट स्ट्रोक या फिर सनस्ट्रोक या फिर लू हमें न लगे। तो दोस्तों सबसे पहले पानी है। तो हीट स्ट्रोक लगने पर रोगी को सबसे अधिक खतरा शरीर में पानी की कमी होने का भी रहता है, ऐसे में भरपूर पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्मी के दिनों में परिश्रम का काम करते हैं या फिर अधिक पसीना आ रहा है तो रोज़ाना कम से कम 1 लीटर पानी अधिक पीना चाहिए। आप रोजिंदा अगर 5 लीटर पानी पी जाते हैं तो 1 लीटर ज़्यादा पीजिए। आप शरबत, फ्रूट जूस, नींबू पानी, नारियल पानी जैसे पेय भी पी सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कैफीन युक्त पेय को अवॉइड कीजिए। इनसे शरीर में पानी कम यानी कि डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। केवल ठंडा पानी पीने की जगह शरीर में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी, छाव, मट्ठा, नारियल पानी लेना चाहिए। या फिर तो दोस्तों जो ORS आता है, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हम जिसे कहते हैं, बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में घर पर आपको फर्स्ट एड बॉक्स में उसको जरूर रखिए और हो सके तो दिन में उसका पानी 1 या 2 बार उसका सॉल्यूशन बना के उसको पीजिए। लगातार गर्मी में काम करने की जगह हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप मजदूर हैं, मजदूरी कर दें पूरा दिन, तो आप 1-1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट कीजिए। शरीर में पानी की कमी न हो इसलिए आप तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम जैसे अधिक पानी वाले पौष्टिक आहार भी ले सकते हैं। धूप से घर आकर तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि अगर धूप में से अगर आप घर पर आते हैं तो डायरेक्ट ठंडा पानी न पीजिए, फ्रिज का ठंडा पानी। अगर आपके घर में ऐसी है तो तुरंत ऐसी वाले रूम में न जाइए और ठंडा पंखे की हवा खाकर वहाँ पर बैठिए थोड़ी देर, उसके बाद में आप ऐसी वाले रूम में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो गर्मी की ऋतु में आहार कौन सा लेना चाहिए। तो गर्मी में अधिक तीखा, मसालेदार और भारी आहार नहीं लेना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है और शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी रहती है, इसलिए आवश्यकता से अधिक और भारी आहार नहीं लेना चाहिए। भोजन में हरी सब्जी और फल का समावेश करें। दोस्तों कपड़ों की अगर बात करें तो गर्मी के दिनों में जींस जैसे भारी कपड़े पहनने की जगह सूती, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गर्मी से बचने के लिए टोपी पहनने और सफ़र करते समय गर्म हवा से बचने के लिए कान पर कपड़ा बांधकर रखें। तेज धूप से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाएं और सनग्लास का उपयोग करें। जब आपकी गाड़ी उपयोग में नहीं है तब उसे लॉक कर रखें। खुली कार गाड़ी में बच्चे खेलते हुए फंस जाते हैं और कभी कभी बंद कार में किसी को अकेला छोड़कर न जाएं और इसके कारण बच्चे को भी इस प्रकार का हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है अगर आपके पास गाड़ी है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में स्ट्रेस की अगर बात करें तो गर्मी के दिनों में अधिक शारीरिक और मानसिक तनाव देने वाले कार्य करने से बचना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों मेडिसिन है, कुछ दवाएं लेने से लू लगने का खतरा अधिक रहता है, जैसे कि रक्त धमनी संकीर्ण करने वाली दवा, एंटी डिप्रेशेंट, लैक्सेटिव, दर्दनाशक दवाएँ इत्यादि। आपको गर्मी के दिनों में किसी दवा से परेशानी होती है तो इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य देना चाहिए, यानी कि किसी दवाई के अगर साइड इफ़ेक्ट्स होती है आपको तो ऐसी दवा लेने से पहले गर्मी की ऋतु में आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर दोस्तों बात करते हैं कोई पेशेंट यानी कि कोई सफ़र हो रहा है किसी रोग के कारण, रोग में जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और थायरॉयड जैसी बीमारी है, तो इन दिनों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ जैसे कि चक्कर आना, घबराहट होना, सिरदर्द या कमजोरी जैसे लक्षण नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत उसकी जांच करवानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो ये गर्मी की ऋतु है इसके अंदर आपको हो सके उतना योगा, प्राणायाम करना चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों शांत रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ मैंने आपको टिप्स बताई हैं। तो अगर ये टिप्स करते हैं, फॉलो करते हैं इसको, तो जो गर्मी में होने वाली ऐसी परेशानियाँ, हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक, इससे बचा जा सकता है। और अगर कोई इसमें फंसा हुआ होता है तो आपके पास अगर जानकारी होती है तो आप उसे मदद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर तापमान काफ़ी हाफ सेंचुरी से भी बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको हीट स्ट्रोक के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कॉमेंट है या फिर और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए
और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।